क्या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, या आपको यूट्यूब के प्रोफेशनल थंबनेल्स बनाने हैं, या आपको अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ अच्छे ग्राफिक पोस्ट तैयार करने हैं, तो दोस्तों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे एडोब फोटोशॉप के बारे में काफी इजीएस्ट वे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम फोटोशॉप के कुछ बेसिक सेटिंग्स देखेंगे। मैं एडोब फोटोशॉप सीसी यूज करता हूँ। मेरे हिसाब से फोटोशॉप का ये वर्जन सबसे बेस्ट है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो एडिट प्रेफरेंसेस इंटरफेस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने पसंद के अनुसार कलर चॉइस कर सकते हैं। अगर आपका फोटोशॉप अटक रहा है तो परफॉर्मेंस में मेमोरी जिसको 75% रखने से आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। समझ लीजिए, आप पिछले एक घंटे से कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना रहे हैं और अचानक से आपका फोटोशॉप बंद हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपकी एक घंटे की मेहनत पानी में चली जाएगी। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग में ऑटो सेव वाला ऑप्शन। इसे ऑन करने से आपकी फाइल हर 5 मिनट में सेव होती रहेगी। अगर आप गलती से टूल बार या बाकी चीजें मिसप्लेस करते हो कुछ इस तरह से, तो सिंपली आप विंडोज टैब में जाके वर्कप्लेस रिसेट एसेंशियल पर क्लिक करने के बाद सभी चीजें रिसेट हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना और जुड़े रहे हमारे साथ इस पूरी सीरीज में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।